तो जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी के सामने आज लेके आया हूँ ऐसे लड़के जो अभी जस्ट ग्राउंड करके आ रहे हैं बारिश में। आप देख सकते हो कितने बारिश हो रहा है, और आप बारिश में आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से रनिंग करो। कैसे करना है, क्या करना है, क्या है अंदर, सारा कुछ जानेंगे। चलिए हमारे साथ दो भाई, उनसे बात करते हैं, ठीक है। तो अपना नाम बताओ सबसे पहले। अंशु कुमार। अंशु कुमार इनका नाम है। कहाँ से हैं? खिलगांव खटंगा, मतलब रांची से। हाँ आज रांची का ही दौर था। हाँ मतलब कितना बजे आ गए थे आप यहाँ पे? 11:30-12 बजे तक। 11:30-12 बजे। हाँ और इंट्री कितना बजे हुआ? 12:30 बजे, 1 बजे तक हो गया एंट्री। इंट्री 1 बजे तक हो गया। हाँ और मतलब रनिंग मतलब अंदर कितना बजे से दौड़ाना शुरू हुआ? 4 बजे से स्टार्ट। मतलब बारिश हो रहा था उस टाइम? हाँ बारिश हो रहा था। हाँ मतलब आप लोग बारिश में ही दौड़े हो। हाँ कितना का बैच बना है? 100 का। 100 का बैच। और मतलब पूरा टाइम कितना दिया जा रहा है? टाइम वही 5:30 में 5:45। 5:45। और कितना में एक्सलेंट? 5:30 एक्सलेंट। और उसके बाद 15 सेकंड गुड, उसके बाद 5:45 गुड। 5:45 में गुड है और 5:30 तक एक्सलेंट एक्सलेंट है। कितना नंबर बैच में थे आप लोग? 76। मतलब यहाँ पे कितना नंबर में? 76 में थे। 6, 7, 8 बैच कौन सा? 6 बैच में। मतलब आप लोग से पहले पांचवा आप 3 बैच में। 3 बैच पे और आप लोगों से पहले मतलब दौड़ चुका था। हाँ तो ग्राउंड और भी खराब हो गया? ग्राउंड पूरा खराब है, मतलब पानी जम गया है या फिर डस्ट पैर धस रहा है और वो पैर तो कंकड़ निकला हुआ है। कंकड़? हाँ। मतलब जूता में दौड़ना फायदा रहेगा या खाली पैर? खाली पैर। खाली पैर ठीक है, पर जिसको आदत खाली पैर नहीं है उसके लिए खराब बात है। जूता पहन के उसको दौड़ना चाहिए। मतलब अंदर ग्राउंड की स्थिति थोड़ा गंभीर है। और मतलब क्या मतलब टाइम पूरा दिया इस बार की? हाँ टाइम पूरा मिला। कोई कटौती नहीं। आप कितने दूर से रह गए? 10 सेकंड। 10 सेकंड। हाँ। मतलब मेहनत में कमी है या फिर किस्मत में आज साथ नहीं दिया? दोनों दोनों। किस्मत भी साथ नहीं दिया और मेहनत में भी थोड़ा कमी है। हाँ। और मतलब कितना जन टोटल आप लोग आए हैं? हम लोग आए हैं 7 जन है। सातों का निकल गया? नहीं नहीं, बाकी है अभी, दौड़ ही रहे। उम्मीद है कि निकल जाएगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी दोस्त दोस्त का बाकी है। ठीक हाँ। है, और आपका बताइए, आपका क्या हुआ, आप कितने नंबर बैच में दौड़े? हम तीसरा बैच में दौड़े थे, 72 बैच। उस टाइम बारिश हो रहा था? हाँ, उसे उसी टाइम स्टार्ट हुआ था बारिश। मतलब स्टार्टिंग आपसे ही हुआ? आप मेरी से हुआ स्टार्टिंग। और मतलब उस टाइम जोर हो रहा था, धीरे हो रहा था, कैसा? मीडियम हो रहा था, तो ज्यादा गीला नहीं था? हाँ गीला तो पहले ही से ग्राउंड है, गीला तो पहले ही से है। और बताओ अंदर कुछ जो भाई लोग को लगे कि हाँ हम लोगों को ये करना चाहिए? हाँ बस ये मेहनत करके जाए, और ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, 400 मीटर से थोड़ा सा छोटा है ग्राउंड। हाँ। पूरा इफेक्ट लगाए, मेहनत करे, हो जाएगा, दम ना तोड़े। आप कितना राउंड मारे? हम 3 राउंड मारे थे, हमको पकड़ के अंदर कर दिया। मतलब पीछे हो गए थे? हाँ पीछे हो गए थे। मतलब कितना लीड बन गया था? लीड होगा यही 200-300, और उसमें मतलब ग्रुप में थे। अब मेरा ग्रुप टूट गया था, और मेरे पीछे 3 से 4 लोग थे, जिसका ग्रुप टूट रहा था उसको अंदर घुसाते जा रहे थे। मतलब पकड़ के अंदर डाल दे रहे? पकड़ रहे थे, और लेकिन मुझे नहीं पकड़े थे, पर मेरे से आगे जो थे उनको पकड़े थे। मतलब आप कितने मतलब कितने नंबर में चल रहे होंगे जब दौड़ रहे थे तब? दौड़ बीच में था, उतना अंदाज नहीं पता होगा। बीच में? हाँ। आप कितना बच्चा को पकड़ा आपने गुड एक्सीलेंट, कुछ आइडिया? टोटल तो पकड़ा 30-35 पकड़ा है। 31। और आप में? मेरे 35 पकड़ा। 35। हाँ चलिए, गुड कितना आया होगा कम से कम? गुड एक्सीलेंट गया था, 11 बार एक्सीलेंट था, और बाकी गुड? बाकी गुड मतलब 12 अगर चला गया तो 18 गुड आया होगा। हाँ 18-19। तो देख सकते हैं भाई भरपूर टाइम मिल रहा है, गुड एक्सीलेंट मिल रहा है टाइम, और बहुत ही अच्छा है। ग्राउंड थोड़ा ख़राब हो गया है बारिश के कारण। आज लास्ट दिन है जीडी का भर्ती का, अब तो कलर टेक्निकल और ट्रेडमैन की भर्ती चलेगी। और रांची की आज भर्ती थी और बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड ख़राब हो गया, जिसके कारण बहुत बच्चों का रनिंग नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि वो सूखे में तैयारी करके आए हैं, ग्राउंड में मिट्टी धंस रही है, कीचड़ हो गया है, पाँव अगर शूज़ पहन के भागते हो तो मिट्टी लग जाएगा शूज़ में, ये सब सारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप अपना ध्यान रखें और कोशिश करें खाली पैर भागने का। क्या खाली पैर भागने का कोशिश करें। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। चलिए कोई ना, बेटर लक्ष्य नेक्स्ट टाइम आप लोगों का जरूर निकलेगा, भगवान से ही दुआ है। और जो देख रहे वीडियो कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसा अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह का नोटिफिकेशन के लिए। जो भी है आपको बारिश में भींग के मैं दे रहा हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक तो बनता ही है।